दोस्तों ये बात तो हम सभी को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट है, पर आज जो बात मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों बात है लाखों वर्ष पहले की, जिसने सबकी नींद उड़ा रखी है कि आखिर ऐसा क्या छुपा है इस डेजर्ट के नीचे जिसके बारे में इतना रिसर्च किया जा रहा है, पर अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है और इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टिटबिट इंडिया में। दोस्तों पूरी कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे आपको भविष्य में आने वाली सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों क्या आपको पता है, आज बंजर सा दिखने वाला सहारा डेजर्ट कभी हरा भरा जंगल हुआ करता था और यहाँ भी पेड़ पौधे और जंगली जानवर पाए जाते थे, जिसकी पुष्टि भूवैज्ञानिकों ने अपनी खोज के माध्यम से की। वहीं खुदाई में उन्हें कुछ ऐसे अवशेष मिले जो बंजर रेगिस्तान में कभी हो ही नहीं सकते। इन अवशेषों में जंगली जानवरों, मछलियों और कुछ खास किस्म के पत्थर भी प्राप्त किए गए। दोस्तों अगर अवशेष की बात की जाए तो कुछ अवशेष ऐसे भी हैं जो आपको जुरासिक पीरियड की तरफ ले जाते हैं, जिसमें शाकाहारी डायनासोर भी शामिल थे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा, अगर ये इतना ही हरा भरा जंगल था तो ये सूखा रेगिस्तान कैसे बन गया? ऐसा क्या हुआ कि इतनी खूबसूरत जगह एक बंजर रेगिस्तान बन गई, जहां अब इंसान तो क्या जानवरों का जीवन भी बिल्कुल ना के बराबर संभव है। इतनी कड़क गर्मी और साथ ही में रेतीली जमीन किसी भी इंसान के जीवन को जोखिम में डालने के लिए काफी है। दोस्तों साइंटिस्ट ये भी दावा करते हैं कि सहारा रेगिस्तान हमेशा बंजर ही नहीं रहता, ये हर 41,000 साल के अंतराल के बाद खुद को फिर से हरा भरा कर लेता है, और ये दोबारा कब होगा इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों सहारा के रेगिस्तान को देखकर कभी दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आता कि यहाँ कभी पानी भी रहा होगा या यहाँ कभी बारिश और बर्फबारी भी होती होगी। पर एक बार फिर आपके होश उड़ाने के लिए बता दूं कि 2016 में यहाँ खूब दमदार बारिश हुई थी जो कई दिनों तक चली थी, और साथ ही साथ रेगिस्तान के कुछ इलाकों में कई सालों पहले बर्फबारी भी देखने को मिली, ऐसी बर्फबारी जिसने पूरे रेगिस्तान को बर्फ से ढक लिया था। ये बात तो बस सहारा के मौसम से जुड़ी हुई थी कि कैसे गर्म सा दिखने वाला देश कितने सारे राज रखे हुए है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, इससे आगे की कहानी आपको और रोमांच से भर देगी। दोस्तों आपको एक सीक्रेट बात बताते हैं कि इस बंजर जमीन पर पानी की एक बूंद नहीं बल्कि एक खूबसूरत सा लेक भी है, जिसका पानी कभी खत्म ही नहीं होता, और रेगिस्तान में पाए जाने वाला जीवन इसी पर निर्भर करता है, तथा इसके आसपास आपको थोड़ी बहुत हरियाली भी देखने को मिलेगी। दोस्तों इस लेक ने बहुत से रहस्य छुपाए हुए हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। दोस्तों ये लेक ही नहीं बल्कि सहारा ने अपने अंदर एक समूचा देश ही छुपा रखा है, जिसको जानने के लिए हम सभी बेताब हैं। हम सभी ये जानते हैं कि सहारा के बीचों बीच एक आंख जैसा स्ट्रक्चर है, जिसे हम सभी रिचर्ड आई के नाम से जानते हैं, तथा कई लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर एलियंस आए थे और ये निशान उनके UFO का है, और ये बात सुनने में बहुत अटपटी लगती है। अब अगर एलियंस की बात आ ही गई है तो दोस्तों मैं आपकी राय लेना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, एलियंस होते हैं या नहीं, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मौका मिलने पर हम इस मुद्दे पर भी चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल वापस आते हैं अपने सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा की तरफ। ये निशान या यूं कह लें ये आकृति कोई आम बात नहीं है, क्योंकि अब हम इसी मुद्दे को लेके आज से लगभग 12,000 साल पीछे जा रहे हैं, जहां आपको ये तो कन्फर्म हो जाएगा कि ये कोई UFO का निशान नहीं है बल्कि कुछ खास है। दोस्तों अगर आप इस आकृति को गौर से देखेंगे तो आपको रिंग्स दिखाई देंगी, और ये रिंग्स कोई आम रिंग्स नहीं है, ये अच्छे किस्म के मेटल से बनी हुई है। हम यहाँ दो कड़ियों को जोड़ने की बात करने वाले हैं, जहाँ से ये कहानी अलग ही मोड़ लेने वाली है। हम सभी ने महान दर्शक प्लूटो के बारे में तो सुना ही होगा, और साथ ही साथ उनके द्वारा लिखी गई बुक्स भी पढ़ी होंगी, जिनमें थाइमियस और क्रिटियस दो मुख्य हैं। अब आप सोच में पड़ गए होंगे इसका सहारा से क्या लेना। दोस्तों पूरी कहानी इन्हीं की लिखी किताबों से जुड़ी है, तो बस आप बने रहिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बात आपको शायद हजम ना हो कि जिसको हम UFO का निशान मान रहे हैं वो कोई UFO का निशान नहीं बल्कि एक खोया हुआ देश अटलांटिस है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग अनजान हैं, क्योंकि इस देश के खो जाने पर इसे नक्शे से ही बाहर कर दिया गया। पर सबसे पुराने और सबसे महान इतिहासकार हेरोडोटस, जिनके द्वारा लिखे गए लेख
और उनके द्वारा 420 BC में बनाए गए दुनिया के नक्शे को सबसे सत्यापित साक्ष्य मानते हैं। उसमें उन्होंने अटलांटिस देश का जिक्र किया है और ये भी बताया है कि ये देश मॉरेंटिनिया में स्थित है। मॉरेंटिनिया वही जगह है जहां आज रिचार्ड स्ट्रक्चर स्थित है। दोस्तों, प्लूटो की बुक्स में भी अटलांटिक का जिक्र किया गया है, पर उन्होंने इसकी स्थिति स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के साउथ में थोड़ी दूरी पर बताई थी। प्लूटो की बुक्स की माने तो अटलांटिस का जिक्र तो उनकी 6 पुस्तकों के पहले से किया जा रहा है, जिसमें ये भी बताया गया है कि अटलांटिस का नाम उनके पहले राजा एटलस के नाम पर पड़ा, जो कि अफ्रीका देश के लोग जिनको मौरी कहा जाता था उनके राजा थे। एटलस पोसिडोन, जो कि एक ग्रीक गॉड थे, उनका पहला बेटा था। उन्हीं के नाम पर पूरे देश का नाम अटलांटिस रखा गया। पर इसे अभी भी ये प्रूव नहीं हुआ कि सहारा में पाई जाने वाली रिचर्ड आई ही खोया हुआ देश अटलांटिस है। इसके लिए हम थोड़ा और गहराई में आपको ले जाते हैं और बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की जो ये कंफर्म करते हैं रिचर्ड ही अटलांटिस है। बात करें स्ट्रक्चर की तो अटलांटिस आज की तकनीकी ज्ञान से भी काफी आगे था। दोस्तों, आज हम जो डैम देख रहे हैं उससे भी अच्छे और उच्च कोटि के डैम उस समय पाए जाते थे। ये डैम 3 नदियों को जोड़कर बनाए गए थे, जिसके साथ ही उनमें पानी का भंडार और निकासी की व्यवस्था भी काफी बड़े पैमाने पर तैयार की गई थी। माना जाता है कि अटलांटिस के लोग प्रेजेंट से काफी आगे की लाइफ जी रहे थे। उनको किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके पास जेवरात, सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि इफरात में थे और उनके औजार भी काफी अच्छे मेटल, जिसे ओरिकैलम कहते हैं, से बना हुआ था। पर उनके पास ये सब आया कैसे, ये बात अभी भी अनसुलझी है। उनके पास उच्च कोटि के हथियार भी थे, जिसके बल पर उन्होंने यूरोप और अफ्रीका जैसे देशों को भी पीछे कर दिया था। उनके हथियार के वार से कोई नहीं बच पाता था, क्योंकि हथियारों में उसे मेटल्स बहुत उच्च कोटि के थे। और बात करें उनके देश या शहर की, तो उसकी बनावट ऐसी थी कि आज तक लोग शॉक में हैं। उनके लगाए गए आर्किटेक्चर कमाल के थे। बीच में एक पहाड़, जिसके चारों तरफ 3 पानी के रिंग और 2 पत्थर के रिंग थे। ये रिंग्स इतनी बाखूबी से डिजाइन किए गए थे कि उनके बीच की दूरी और रिंग्स का आकार बिल्कुल एक्यूरेट था। माना जाता है बीच के पहाड़ी वाले रिंग में राजा रहते थे और बाकी जगहों पर जनता। ये लोग इतने आधुनिक थे कि किसी राज्य देश की हिम्मत ही नहीं थी इन्हें हराने की। जिस तरह ये लोग बहुत तेजी से आधुनिकीकरण की तरफ अग्रसर हो रहे थे कि इनका मुकाबला कोई ना कर पाता। पर ग्रीक के एक बहुत बड़े कवि थे जिनका नाम सोलन था। उनके अनुसार इजिप्टियन लोगों का मानना है कि आज से लगभग 9000 साल पहले पूरा देश समुद्री तूफान की चपेट में आ गया और बह गया, या यूं कह ले कि डूब गया। पुरातात्विक साक्ष्य भी यही बताते हैं कि ये देश नक्शे में था ही नहीं, और जब कभी रहा होगा तो प्राकृतिक आपदा ने इस जगह को पूरा डुबो दिया। कई लोगों का ये भी मानना है कि धरती के टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण ये जगह अपनी स्थिति से दूर हट गई और कहीं डूब गई। लोगों ने इसे बहुत खोजा और समुद्र की गहराइयों में इसके होने का दावा भी किया, पर कोई पुख्ता सबूत के अभाव में सब पीछे ही रह गया। पर अगर दावे की ही बात की जाए तो मैं आपको वापस अफ्रीका ले चल रहा हूँ, जहाँ आप ध्यान से रिचर्ड आई कहे जाने वाले स्ट्रक्चर को देखें और एटलस के राज्य अटलांटिस को देखें। आपको बहुत कुछ जाना पहचाना दिख रहा होगा। आप कहेंगे ये कैसे, क्योंकि वो तो पूरा बर्फीला इलाका था और कहां सहारा का रेगिस्तान। तो ध्यान से सुनिए, अगर आप ये मान रहे हैं कि सहारा का रेगिस्तान समुद्र में डूब गया, तो क्यों ना ये मान लें कि तूफानी हवाएं उस हिस्से को बहा ले गईं। और अब आपको सुन के और आश्चर्य होगा कि प्लूटो ने जब अटलांटिस का अंत बताया है अपनी किताब में, इतिहासकारों के मुताबिक ठीक उसी समय साउथ और नॉर्थ पोल दोनों जगहों पर कुछ बदलाव देखे गए। बर्फ पिघलने लगी और पूरा समुद्री इलाका और उसके आसपास के शहर समुद्र की गहराइयों में या तो डूब गए या बह गए। तो ये कहना भी बिल्कुल सही नहीं माना जा सकता कि समुद्र की गहराइयों में जो है वो अटलांटिस ही है, क्योंकि वो कोई और राज्य भी तो हो सकता है। यहाँ तक कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये बहकर अमेरिका और स्पेन के पास कहीं डूबा हुआ है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये घटना घटी ठीक उसके कुछ वर्षों बाद कुछ और घटनाएं घटी, जिसमें अर्थ के एक्सल के झुकाव की घटना भी शामिल है। इस घटना में समुद्र के बीच में डूबी हुई जगह से पानी छटने लगा और एक बंजर आकृति उभर के सामने आई। वो और जैसे जैसे पानी हटता गया, पूरी जमीन रेतीली बंजर से दिखने लगी। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस रेगिस्तान की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये जगह कोई और नहीं सहारा डेजर्ट थी, जहाँ रिचर्ड आई दुनिया के सामने आई, या यूं कह लें कि वापस अटलांटिस दुनिया के नक्शे में आ गया। आपको हैरान करने वाली बातों में एक और बात, अटलांटिस तो पहाड़ियों से घिरा था और उसमें नदियां भी जुड़ी थी, तो क्यों ना इसकी जांच भी करें। जब आप रिचर्ड आई को देखेंगे तो आपको उसके दक्षिण तरफ कुछ पहाड़ी या नक्शा भी देखने को मिलेगा। और बात करें नदियों की, तो इस रिंग में आज भी साफ पानी की एक नदी के बहने के निशान था। वो आज भी मौजूद है, जहां साफ पानी की एक पतली सी धार बहती हुई पाई गई है।
तो ये जरूरी नहीं कि अटलांटिस डूब गया या बह गया। अटलांटिस आज भी दुनिया के नक्शे में मौजूद है और ठीक वहीं जहां उसे होना चाहिए था। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं जिनमें पत्थरों और दीवारों पर लेख, चित्र आदि पाए गए हैं और साथ ही साथ खुदाई में मनुष्य कंकाल भी पाया गया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको इस सवाल का जवाब दे ही दिया होगा कि आखिर है क्या सहारा डेजर्ट के नीचे। और ऐसे ही कुछ खास जानकारी के साथ मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।